Hello, good morning students. How are you? I hope you will all are fine. Godmother English School Standard Senior KG. Today's subject is GK. Okay students? Next video में हमने chapter lesson 13 nature complete कर लिया था. अब देखो chapter 14. Okay students? आज हमारे पास है चैप्टर 14. टुडे इज चैप्टर 14 अवर इंडिया, मतलब इंडिया की सब चीजें. देखिए अवर इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, देखो आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इंडिया में जरूरी है. फर्स्ट देखिए क्या है, नेशनल बर्ड. फर्स्ट क्या है, नेशनल बर्ड मतलब हमारा भारतीय पक्षी. नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड कौन है स्टूडेंट्स, पीकॉक है. नेशनल बर्ड कौन है, पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. एन ए पी आई ओ एन ए एल बी आई आर डी, नेशनल बर्ड. पी ई ए सी ओ सी के. ओके स्टूडेंट्स, नेशनल बर्ड मतलब हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो नेक्स्ट है नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल मतलब राष्ट्रीय प्राणी. देखो ये पक्षी था स्टूडेंट्स और ये है राष्ट्रीय प्राणी. अब राष्ट्रीय प्राणी कौन है, हमारा टाइगर. ओके स्टूडेंट्स, हमारा राष्ट्रीय प्राणी है टाइगर. एन ए टी आई ओ एन ए एल ए एन आई एम ए एल, नेशनल एनिमल. टी आई जी ई आर, नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर. ओके स्टूडेंट्स, नेशनल एनिमल हमारा है टाइगर. फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेशनल फ्लावर मतलब हमारा राष्ट्रीय फूल. नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर क्या है, अब हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस मीन्स कमल. नेशनल फ्लावर हमारा क्या स्टूडेंट्स, लोटस मीन्स कमल. एन ए टी आई ओ एन ए एल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर एल ओ टी यू एस, नेशनल फ्लावर लोटस. ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस है. हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है. ओके फिर देखो नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट. नेशनल फ्रूट मतलब राष्ट्रीय फल. हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्रूट है मैंगो. हमारा नेशनल फ्रूट है स्टूडेंट्स मैंगो. ओके एन ए टी आई ओ एन ए एल एफ आर यू आई टी, नेशनल फ्रूट. एम ए एन जी ओ मैंगो, हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है, मैंगो है, मतलब हमारा राष्ट्रीय फल है आम. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय फल है आम. नेशनल फ्रूट इज मैंगो. फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नेशनल फ्लैग मतलब, नेशनल फ्लैग मतलब हमारा तिरंगा झंडा. राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तिरंगा. हमारा राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग मीन्स होता है झंडा और तिरंगा. हमारा राष्ट्रीय फ्लैग कौन सा है, तिरंगा, मतलब तीन रंग का है ये, इसलिए इसको कहा गया है तिरंगा. एन ए टी आई ओ एन ए एल एफ एल ए जी, नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय झंडा. राष्ट्रीय झंडा कौन सा, कैसा है हमारा, कौन है, तो तिरंगा. टी आई आर ए एन जी ए तिरंगा. तिरंगा ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है. ये क्या है स्टूडेंट्स, तिरंगा. ये इसमें तीन रंग है इसलिए इसको कहा गया है तिरंगा. ओके फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेशनल इक्वेटिक एनिमल. नेशनल इक्वेटिक एनिमल
कौन है? डॉल्फिन। ये क्या है स्टूडेंट्स? डॉल्फिन आप लोगों ने देखा हुआ है, देखो ये समुद्र में ही रहती है, हमारे आसपास तालाब में नहीं होती है, ये एक्चुअली सी में रहती है, मीन्स समुद्र में रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन हमारे नेशनल एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। ओके स्टूडेंट्स, एन ए टी आई ओ एन ए एल ए क्यू ए क्यू यू ए टी आई सी ए एन आई एम ए एल नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। डी ओ एल पी एच आई एन नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स डॉल्फिन। ओके फ्रेंड्स, नेशनल हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब डॉल्फिन मछली है। फिर आगे देखिए नेशनल गेम, देखो हमारा नेशनल गेम कौन सा है? नेशनल गेम है हमारा हॉकी। नेशनल गेम कौन सा है हमारा स्टूडेंट्स? हॉकी। एन ए टी आई ओ एन ए एल। ओके स्टूडेंट्स, गेम जी ए एम ई एच ओ सी के ई वाई नेशनल गेम। नेशनल गेम कौन सा हमारा? राष्ट्रीय प्ले मतलब राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? हॉकी। राष्ट्रीय खेल कौन सा स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेशनल खेल कौन सा है? हॉकी। देखो ये हॉकी, और हॉकी खेलने में हमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है, मतलब बहुत मजा आता है, और हॉकी इज माई फेवरेट गेम, मतलब हमारी हॉकी क्या है? फेवरेट गेम है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है? नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्रीय त्रिमूर्ति सिंह चिन्ह, त्रिमूर्ति सिंह की चिन्ह, ये क्या है? नेशनल एम्बलम है, ये हमारे बहुत ही राष्ट्रीय चिन्ह है ये। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल एम्बलम एन ए टी आई ओ एन ए एल ई एम बी एल ई एम नेशनल एम्बलम, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या स्टूडेंट्स? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये। क्या इसमें क्या है? इसमें टाइगर्स की त्रिमूर्ति है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो अवर करेंसी रूपी। अवर करेंसी रूपी मतलब हमारे यहाँ पे क्या यूज होता है? अवर करेंसी रूपीज मतलब हमारे यहाँ पे रूपीज यूज होता है। ओ यू आर सी यू डबल आर ई एन सी वाई आर यू डबल बी आर यू बी डबल ई करेंसी रूपी। हमारे भारत का चालान कौन सा स्टूडेंट्स? हमारे भारत का चालान मतलब भारत में क्या यूज होता है? रूपीज। हमारे भारत में रूपीज यूज होता है, इंडिया में क्या यूज होता है? रूपीज। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय त्यौहार है, मतलब जो हम राष्ट्र के लिए मनाते हैं, उन त्यौहारों के नाम हमको लिखना है। राष्ट्रीय त्यौहार जो हम राष्ट्र के लिए मनाते हैं, हमारे इंडिया के लिए मनाते हैं, उनको कहते हैं नेशनल फेस्टिवल। एन ए टी आई ओ एन ए एल एफ ई एस टी आई वी ए एल नेशनल फेस्टिवल। हमारा नेशनल फेस्टिवल कौन से स्टूडेंट्स? 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन सा है? नेशनल फेस्टिवल है 15 अगस्त 15 अगस्त और 26 जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, मतलब राष्ट्रीय त्योहार है। फिर आगे देखिए जनगण मन मतलब नेशनल एंथम। ये क्या है हमारा? नेशनल एंथम है, मतलब राष्ट्रीय गीत है ये, नेशनल एंथम है जन गण मन। देखो कोई भी हमारा राष्ट्रीय, जब कोई भी राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, इसमें हम लोग पढ़ते ही हैं वंदे मातरम, जन गण मन, ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए गए गीत हैं, इसमें से एक जन गण मन है, ये हमारा नेशनल एंथम है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन मतलब गांधी बापू, ये देखो फादर ऑफ नेशन,
मतलब ये कौन है, हमारे फादर है, गांधी बापू जी है, महात्मा गांधी जी। ओके स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी हमारे देश के बापू रह चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इन्हें फादर कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे इंडिया के क्या है, फादर है। FATHEROFNATION, फादर ऑफ नेशन। MAHATMAGANDHIGE, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी। गांधी जी हमारे देश के बापू रह चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो आज हमने हमारे अवर इंडिया मतलब हमारे इंडिया के बारे में जाना है कि हमारे इंडिया में क्या क्या जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में क्या क्या है हमने जान लिया, एक बार हम इसका फिर से रिविजन कर लेंगे। नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल फ्लावर है लोटस। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल फ्लैग है तिरंगा। नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स कौन है, डॉल्फिन। नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी। नेशनल एम्बलम, ये क्या स्टूडेंट्स, नेशनल एम्बलम। अवर करेंसी रुपीज। नेशनल फेस्टिवल कौन से, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, फिर है नेक्स्ट जनगणमन, नेशनल एंथम। ये क्या है स्टूडेंट, जनगणमन, नेशनल एंथम। फादर ऑफ नेशन मतलब हमारे देश के बापू कौन है, गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आपकी नोटबुक में ये सारे स्पेलिंग लिखने हैं एंड आपको सारे नेशनल बर्ड सिंबल सबके बारे में आपको याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।